भाई पीछे वाले थोड़ा जोर से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। भगवान मीनेश की, इधर से नहीं आई हम, भगवान मीनेश की, अब मंच से नहीं आ रही आवाज, भगवान मीनेश की, भगवान मीनेश की। चलो सब जगह से आई, धन्यवाद। आज आप सबको सबसे पहले मीनेश जयंती की, विष्णु के दसवें अवतार की, क्योंकि अपन भगवान विष्णु के दसवें अवतार मत्स्य भगवान के अपन वंशज है, उनकी आप मत्स्य जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मीना समाज की ओर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मांग रखी थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को पूरा भी किया, ऐसे हमारे मीना समाज के गौरव और हमारे मध्य प्रदेश शासन में जो मंत्री के रूप में हमारे समाज की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय भाई साहब श्री सूर्य प्रकाश जी मीना जी, हमारे समाज के प्रांतीय अध्यक्ष, और अध्यक्ष तो बहुत लोग बनते हैं लेकिन इन्होंने जज की नौकरी छोड़कर, न्यायाधीश की नौकरी छोड़कर और समाज सेवा में अपना अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लाला राम जी मीना जी। अभी हाल में हम सबके बीच में जो कोटा से कमिश्नर है आदरणीय कमिश्नर साहब, आपका मैं नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि एसपी साहब का आपका नाम एक ही है, अभी हाल में ही बोल रहे थे जो राजस्थान से डिप्टी स्पीकर रहे, पूर्व में सांसद भी रहे आदरणीय श्री राम नारायण जी मीना साहब, हमारे मनोर थाना से एमएलए आदरणीय कमललाल जी मीना जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय श्री शिव नारायण जी मीना जी, हमारे पूर्व में मनोर थाना से विधायक रहे आदरणीय कैलाश नारायण जी मीना जी। पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, आपने पंचर की बात क्यों करी, कोई तो साइकिल वाइकिल का चक्कर है क्या? कोई तो मैं कह रही पंचर की बात क्यों करी, और भी तो बात कर सकते थे। हमारे पूर्व में विधायक रहे आदरणीय हेमराज जी मीना जी भाई साहब, मैं एक बार मीनेश जयंती में जब जिला पंचायत की अध्यक्ष थी तो इनके साथ हमें मीनेश जयंती मनाने का राजस्थान में मौका मिला, उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तभी इन्होंने कह दी थी कि एक बार ये एक न एक दिन ये विधायक बनेगी और इनकी बारी सत्य हो गई, मैं सही में विधायक बन गई, चाचौड़ा की जनता ने मुझे विधायक बना दिया। हमारे मीना समाज के जिले के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब कैलाश नारायण जी मीना जी, पूर्व में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे राजगढ़ से आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पजवारिया जी, भोपाल से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय हमारे लखन सिंह जी मीना जी, और हमारे संगठन महामंत्री जो मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं आदरणीय अमृतलाल जी मीना साहब, हमारे आदरणीय एसपी साहब क्योंकि मंच से नीचे चले गए इसलिए बाद में नाम लेना पड़े, और हमारे आदरणीय हमारे एडिशनल एसपी साहब फूल सिंह मीना जी, और हमारे पूरे मीना समाज के पूरे प्रदेश के कोष को जो संभाल रहे हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी मीना साहब आतियो साहब, और समाज के आदरणीय हमारे बीच में आए आदरणीय आरसी वर्मा साहब जो पूर्व में बीडीओ रहे, भले वो अलग अलग पोस्टों पर प्रमोशन होते चले गए लेकिन उनको बीडीओ के नाम से आज भी लोग बाग बोलते हैं। हमारे बीच में जो मंदसौर से जो जिला अध्यक्ष आए हैं आदरणीय प्रहलाद जी रावत जी, हमारे मंदसौर नीवत साइड से आए हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई चंद्र प्रकाश जी पंडा जी, हमारी बहन जो मेला बिंग की गुना जिले की अध्यक्ष है मीना जी, हमारे समाज के हमारे जो हमेशा स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी हमारे ऐसे बासाब आदरणीय पन्नालाल जी, मेरे पिताजी आदरणीय नाथू सिंह जी मीना जी, और समाज के सभी आदरणीय बंधुओं, क्योंकि मंच बहुत बड़ा इसलिए आप सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, नाम लगभग सबके जानती हूँ, और यह सभा मंडल में विराजमान, और कुमराज में
जो कुमराज में महाकुंभ के रूप में अलग अलग जगह से आप उमड़ के आए, ऐसे हमारे आदरणीय सभी स्वजाति बंधुओं, आपको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आपको हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद भी इस बात का देती हूँ कि आपने पूरी मेहनत करके आप सब लोग अलग अलग जगह से आए, इसलिए मैं आप सबका स्वागत भी करती हूँ, वंदन भी करती हूँ और अभिनंदन भी करती हूँ। समाज के लिए अलग अलग वक्ताओं के द्वारा बहुत सारी ऐसी बातें आई है कि समाज के अंदर कुरूतियां, समाज के अंदर जो चीजें उनको अपन कैसे खत्म करें, और साथ में आरक्षण की बात भी यहाँ पर आई है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि असाजकीय संकल्प विधानसभा में जब पारित हुआ था तो मैं और राम निवास जी ने मिलकर हमने विधानसभा में असाजकीय संकल्प हम लोग लेकर आए थे, और असाजकीय संकल्प पहले 2003 में भी एक बार पारित हुआ था, लेकिन किसी कारण से कुछ लोगों की वजह से हमारा 2003 में असाजकीय संकल्प विधानसभा से पारित होके नहीं जा पाया था। विधानसभा का असाजकीय संकल्प उस समय गिर गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगी, विधानसभा अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दूंगी कि हम दोनों लोगों ने जब विधानसभा का असाजकीय संकल्प लेकर आए और असाजकीय संकल्प पारित हुआ। मैं इसलिए ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि जब विधानसभा से असाजकीय संकल्प पारित हुआ और केंद्र सरकार को उन्होंने भेज दिया, अब टेक्निकल रिपोर्ट है वो भी जाएगी, लेकिन साथ में आज अपन हर व्यक्ति चाहते कि आरक्षण मिले, सब चाहते, मैं भी चाहती हूँ, आप सब लोग भी चाहते कि आरक्षण मिले, लेकिन आरक्षण ऐसे नहीं मिलेगा। आरक्षण के लिए घर घर में से हमारे युवाओं को, घर घर में से हमारे बड़े बूढ़ों को, घर घर में से माताओं बहनों को निकाल के लाना पड़ेगा। अब आप आरक्षण की तो बात करते, हमारे सब लोग पूरे प्रदेश के लोग बात करते हैं, और मुझे प्रदेश में बहुत जगह जाने का सौभाग्य मिला है, लेकिन उस समय हर जगह मुझे महिलाओं की संख्या देखने को मिली, और मैं जब महिला एक विधायक हूँ और महिला विंग की प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। अब आरक्षण की बात अपन करते हैं और घर में से अपनी महिलाओं को अपन निकाल के समाज के मंच पर नहीं लाते, समाज के बैनर तले नहीं लाते और आरक्षण की अपन बात करते हैं, कहीं ना कहीं दुख होता है, कष्ट होता है। हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा जब तक लड़ते रहेंगे। और कुछ लोग, जैसे बहुत सारे लोग भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रावगढ़ में एक अंत्योदय मेला था, उसमें सम्मान और प्रोटोकॉल की बात थी, उसकी रैली निकाली, बाद में रैली निकाली कि आरक्षण को ममता मीना वापिस ले, आरक्षण जो शासक के संकल्प विधानसभा में जो पारित हुआ वो आरक्षण की, वो आरक्षण वापिस ले, जबकि एक हमारा शासक के संकल्प जो आया था मीना कीर पारदी और मांझी और धोबी समाज का, पांच समाज का एक साथ असाजकीय संकल्प आया, कोई अकेला मीनाओं का नहीं आया, ममता मीना ने तो अकेला मीनाओं का समर्थन नहीं किया। अरे मैं तो यह भी कहती हूँ, अरे और भी अन्य जाति अगर मांगेगी आरक्षण तो उसमें भी ममता मीना उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। आरक्षण क्यों नहीं मांगते, आरक्षण हमारा अधिकार है। अगर आरक्षण, अगर आज से नहीं 40-50 साल से हम लोग आरक्षण मांगते आ रहे मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि विदिशा जिले में एक लेटेरी सुरोज तहसील में हमारे आरक्षण में हम लोग आते थे, और उस समय हमारे अधिकारी लोग, बहुत सारे लोग वहां से बने, क्योंकि आरक्षण का लाभ जब मिला है तो बहुत सारे अधिकारी बने, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उन लोगों को हटाने की कोशिश करते रहे। तो जब विधानसभा में आरक्षण की मांग करी थी उसके साथ साथ हम संरक्षण के भी हमने मांग करी थी, मध्य प्रदेश की सरकार ने जितने भी अधिकारी कर्मचारी उनके लिए संरक्षण आदेश भी निकाला, कि उन्हें यह कहा कि नई भर्ती नहीं की जाएगी, लेकिन जितने भी अधिकारी कर्मचारी उनको निकाला नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, मैं चाहती हूँ आप लोग ताली बजा के मध्य प्रदेश की सरकार को आप धन्यवाद दें, इतना बड़ा आदेश है, इतना बड़ा आदेश है, नहीं तो एक समाज के अंदर एक बहुत बड़ा एक भूचाल आ जाता। अरे आज इतनी बड़ी शुरुआत तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अपन कमजोर इस बात के पीछे है, जैसे अभी राजनीति से परे होके अपन को बात करना चाहिए, राजनीति से परे होके मैं बात कर रही हूँ, मैं आरक्षण की बात कर रही हूँ, जो काम हुआ उसके लिए धन्यवाद बोल रही हूँ, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह इस बात का करना चाहती हूँ कि अगर अपन आज जैसे हमारे माननीय और अन्य वक्ताओं ने कहा, मैं भी कह रही हूँ कि 18 फरवरी 2018 में हम भोपाल में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने वाले, बहुत बड़ा सम्मेलन। अगर आप लोग चाहते हो कि मध्य प्रदेश में आरक्षण मिले, अगर आप लोग चाहते हो कि मध्य प्रदेश में आरक्षण मिलने के लिए केंद्र की सरकार हमें बुलाकर आरक्षण की बात हमसे करें, तो अगर आप लोग कहते हैं कि हम तो यहाँ चाचौड़ा में इतने, गुना जिले में इतने, राजगढ़ में इतने, फलानी जगह इतने, ढिकानी जगह इतने, अगर अपन कहते हैं कि हम 26 जिलों में 35 लाख मीना निवास करते, अपन कहते हैं अगर
26 जिलों में अगर 35 लाख मीना अगर आप लोग निवास करते हैं तो भोपाल की धरती पे 5 लाख मीना आप दिखाई दे जाना, 5 लाख मीना दिखाई दे जाना। अगर 5 लाख अगर मीना समाज के अगर पहुंच गए, अगर 5 लाख हमारे युवा पहुंच गए, अगर 5 लाख में हमारी महिलाएं भी पहुंच गई तो ये बात सही है कि आरक्षण मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए श्रम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। हम आप लोगों से ये नहीं कह रहे कि रेल की पटरियों को तोड़ो, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ, हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप सरकार को गाली दो, हम आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि भोपाल की धरती पे आकर एक एक घर से एक एक व्यक्ति, घर से एक एक व्यक्ति जोड़ा शहीद भोपाल की धरती पे पहुंच जाना 2018 में, तो जरूर आरक्षण मिलेगा। नहीं तो अपन गांव में जब कथा होती है तो घरला निमंत्रण अपना होता है, तो ये सोच लेना ये समाज की महाकथा है, जो कुंभराज की धरती से जो महाकुंभ प्रारंभ हुआ, इस कुंभराज की धरती पर ये संकल्प हुआ है, आप ये संकल्प मन में ले लेना। तो अगर आप भोपाल में अगर 5 लाख अगर आप पहुंच गए तो आपको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग आरक्षण ले लोगे, अपने आप ले लोगे आप आरक्षण। अरे अपन कहीं ना कहीं कमजोर है कि अपने आज मध्य प्रदेश में अपन 35 लाख मीना है, लेकिन एक भी मीना समाज से अपना सांसद नहीं है, किसी भी पार्टी से सांसद नहीं है। मैं अभी आपसे इसलिए ये बात कहना चाहती हूँ, राम निवास मीना जी को टिकट मिला था, उस समय हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने मुझे बोला था मीना समाज में चुनाव प्रचार करने आओ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर समाज का व्यक्ति अगर कहीं भी लड़े तो आप विरोध करें तो करें, लेकिन अगर उसको अगर पार्टी पे अगर उचित स्थान पे अगर आप बता दें तो फिर विरोध की श्रेणी में नहीं आता। मेरे पास नरेंद्र सिंह तोमर जी का कम से कम 10 बार फोन आया, तो मैंने उनसे एक बार कहा भाई साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, हमारे आप कांग्रेस से अगर कोई भी व्यक्ति हमारा सांसद का चुनाव लड़ रहा है और अगर मैं विरोध करने आऊंगी तो मुझे समाज माफ नहीं करेगी, इसलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, इसे मैं फोन के माध्यम से आपसे माफी चाहती हूँ। और मैं एक दिन भी चुनाव प्रचार करने नहीं गई, जबकि उस समय मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, वो साहब एसपी साहब ना मुरैना रह के आए, मुरैना रहे, मेरी शादी हुई थी जब सबलगढ़ एसटीओपी थे, माँ हर बच्चा माँ जानता है, लेकिन उस समय मैंने उनसे बोला मैं माफी चाहती हूँ मैं नहीं आऊंगी, उन्होंने मेरी बात को सुना, उन्होंने भी मेरी भावना उन्होंने भी समझा और उन्होंने बोला नहीं सही बात है बिल्कुल आप मत आइए, उन्होंने भी बोला। तो कहीं ना कहीं अपन अपनी बात अगर रख सकते तो अपन को रखना चाहिए, अगर कहीं ना कहीं अपन पीछे है। आज ये जो आरक्षण की जो बात चल रही उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोगों का हाथ है, क्या आज किसी समाज का ममता मीना अपमान कर सकती? रात और दिन सुबह 11 बजे से रात को 3-3 4 बजे में उनके छोटा सा बड़ा प्रोग्राम होता है, हर समाज में जाती हूँ मैं, कोई मीनाओं में नहीं, हर समाज में जाती हूँ, आज विधायक बनी हूँ तो कोई मैं मीना से नहीं, सभी समाज के द्वारा विधायक बनी हूँ। अरे मैं तो किसी समाज का अपमान करने के बारे में अपन कभी सोच नहीं सकते, हाँ अधिकारियों से बातचीत होती वो तो हम करेंगे, लेकिन इसको राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं बहुत सारे, कौन कौन है इनके पीछे ये आप सब जानते हैं, इनके पीछे कौन कौन है सब जानते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आरक्षण की लड़ाई कोई आज से नहीं है भैया, आरक्षण की लड़ाई बहुत दिनों से चली आ रही, अब आज के संकल्प पारित होके चला गया, और कई उनमें किस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई कि वो आपका आरक्षण खत्म करके मीनाओं को आरक्षण दिलाएंगे। अरे जिस समाज को आरक्षण पहले से मिला हुआ है, कौन सी सरकार है उनका आरक्षण खत्म कर देगी? कोई भी नहीं कर सकती, कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो उनका आरक्षण खत्म कर दे। अरे हम तो हमारी मांग कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे इसलिए एक बार और इस बात की ओर कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग जब हमारे भोपाल में जब 5 लाख लोग जाए, उसके बाद जब दिल्ली में जाए, तो उस समय जरूर आप लोगों को चलना पड़ेगा। अगर उसके लिए समाज के लिए आपको अपन सबको अलग अलग कुर्बानियां देना पड़ेगी, राजनीति से हटके बात करना पड़ेगी, समाज के लिए जब कुर्बानी देंगे तब जाके अपना समाज आरक्षण के लिए आगे की पंक्ति पर जाके खड़ा होगा। और मैं तो आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, अभी तो मेरी नेतागिरी की शुरुआत है, अभी तो मैं पहली बार विधायक बनी हूँ, लेकिन आप सब लोग हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी के साथ में और हमारे साथ में, क्योंकि मैं महिला विंग की अध्यक्ष हूँ, आप सब लोग हमारे साथ में चलना, भले ही आगे मत चलना कम से कम पीछे चलना, तो कहीं ना कहीं हमें जब आप पीछे चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी शक्ति बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हमारा आत्मबल बढ़ेगा। और मैं तो उस बात की भी परवाह नहीं करती हूँ, समाज को अगर आरक्षण मिलता है
अगर सातों समाज के लोगों को भी अगर आरक्षण मिलता है तो मैं तो उस चीज की भी परवाह नहीं करती हूँ कि मैं नेतागिरी में मेरा नुकसान होगा कि फायदा। मैं ज्यादा नुकसान फायदे के बारे में ज्यादा सोचती नहीं हूँ। मेरा एक काम है कि समाज का फायदा होना चाहिए, हर व्यक्ति का फायदा होना चाहिए, समाज के अंदर जो कुरूति है वो दूर होना चाहिए। अभी अब चुनाव आएंगे, अभी मंडी के चुनाव आएंगे, अगर महिला सीट हो जाएगी तो कोई ना कोई भाई आके फार्म भरवा देगा। पंचायत का चुनाव आएगा तो कोई ना कोई व्यक्ति आके अपनी महिला का फार्म भरवा देगा। लेकिन उसके बाद जब अगर समाज का कोई कार्यक्रम होगा तो उसके बाद उन महिलाओं को लेके नहीं आएंगे। जबकि इतने लोग समाज की क्रीम बैठी हुई है यहाँ पर, इनमें से 50% कोई तो पंच है, कोई सरपंच है, कोई जनपद सदस्य है, 50% लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनमें से महिलाएं अलग अलग जगह से प्रतिनिधित्व करती है। मेरी मम्मी, मेरे पिताजी भी बैठे हैं मंडी अध्यक्ष, यहाँ के मंडी अध्यक्ष के पति भी बैठे हैं भगवान सिंह जी सरोज मीना के, लेकिन मंच तक नहीं ला सकते। अगर मैं भी चाहती तो एसपी साहब थे, मुझे आने की क्या आवश्यकता थी, चले जाओ आप भी विधायक का प्रतिनिधित्व आप भी कर लेना। इस पर एक कहीं ना कहीं एक झिझक अपन को निकालनी होगी। जब समाज का अगर विकास अपन करना चाहते हैं, समाज का उत्थान अगर अपन करना चाहते हैं, तो जो झिझक है उसको निकालनी होगी, तब जाके अपना समाज आगे बढ़ेगा मेरे भाइयों, जब जाके। और मैं तो आप सबसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए आप सब एक होकर एक साथ चले, जब ही समाज का विकास होगा, कोई आगे निकल गया कोई पीछे निकल गया, इसी तरह की स्थिति अपनी बनती रहेगी। इसलिए समाज के विकास में जरूर आप लोग ध्यान दें। और जब ये अभी हाल में बात आई थी कि महीने की बैठ के, जबकि मध्य प्रदेश में अभी मध्य प्रदेश में लाला राम जी प्रदेश अध्यक्ष बने और मैं महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ, तब से मध्य प्रदेश में एक ऐसा चक्र चल रहा कि हम जिला और तहसील तक पहुंचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिला और तहसील तक पहुंच के हम समाज की बात को रखें। अभी ऐसा, और उसके बाद भी हर महीने रविवार में हर महीने बैठक भी प्रदेश स्तरीय होती है। और उसके बाद जो अभी टेक्निकल रिपोर्ट की बात अपन करें, तो अभी हमारे अमृत लाल जी भाई साहब और लाला राम जी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष जी है, महीने में चार बार हम लोग मुख्यमंत्री जी से हम मिलते हैं चार बार। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मंच पे नहीं बताई जाएगी, वो तो होगा तो आपको अपने आप दिखाई दिया जाएगा। लेकिन उसमें मेरा आपसे जो 18 फरवरी को जो 18 फरवरी 2018 को जो महासम्मेलन है, उसमें अगर आप लोग पहुंच जाओगे तो सच्चे मन से ऐसा लगेगा कि आप उसके लिए, उस कार्यक्रम के लिए आप तैयार है, आरक्षण के लिए आप तैयार है। कोई अपन हार्दिक पटेल जैसी रैली निकालने की अपन को जरूरत नहीं है कि राशुकर लगे अपन को। जात आरक्षण जो मांग रहे, जिन्होंने बहुत सारा नुकसान कर दिया, आदमी भी उनके स्वा हो गए, लेकिन विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित नहीं हो पाया, ऐसी कई जगह, लेकिन विधानसभा से शासकीय संकल्प पारित हुआ है। अब दिल्ली तक अपन को बात को अपने पहुंचाना पड़ेगी। हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल दिल्ली भी जाएगा, दिल्ली जाकर हम बात को रखेंगे, क्योंकि समाज कित की बात है। हमको ये नहीं देखना कि भाई मंत्री जी भी जाएंगे, हम सब जाएंगे, तो समाज कित की बात को हम दिल्ली भी जाके रखेंगे, लेकिन उसमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। आज हमारी पूरी टीम ने, हमारे अध्यक्ष साहब ने और पूरी टीम ने मिलकर बहुत शानदार तैयारियां करी, ये बहुत शानदार भव्य मीनेश जयंती मनाई। इसके लिए मैं पूरी टीम को